क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, क्यों देखते हो बेसब्रों की तरह। तो जी ये आगे पीछे डोल रहे हैं इस घर में भंवरों की तरह, और देख रहे हैं बेसब्रों की तरह कि क्या करें क्या न करें, है ना। ऐसा ही कुछ हाल है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या काम करा जाए क्या नहीं करा जाए। तराई एक बार मारी है, बीच में ही चला गया पानी, इस दीवार पे मारी थी। और कल कमेंट्स आए थे कि वेंटिलेशन के लिए कुछ छोड़ना, तो ये देखो इतना छोड़ा है बाथरूम में तो वेंटिलेशन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें कुछ छोड़ा नहीं क्योंकि आगे जो गेट लगेगा ना मंदिर में वो इसमें पूरे में ये जो पोर्शन है इसमें पूरे में जाली लगेगी। आधे में जाली और इधर गेट। यहाँ पे गेट आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, बाकी इसमें जाली और जाली के साथ में वो क्या बोलते हैं उसको, कर्टेंस लगा देंगे अपन, पर्दे लगा देंगे फिर अंदर। पर्दे से काम नहीं चलेगा, तो वो लगेगी उसके सीट फाइबर वगैरह जो भी आती है हाँ। कैसी भी, लेकिन वो इससे ये हो जाएगा पानी नहीं जाएगा बाहर की साइड में। तो जी वो जो उस गेट के ऊपर जाली सी दिख रही है ना, इस तरीके से जाली लग जाएगी और फिर कर्टेन वगैरह लगा देंगे और ये गेट यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा फिर उसका। और इधर से अभी आएंगे ना मिस्त्री, तो ये वाली दीवार उठाएंगे अब पहले ऐसे, फिर शायद तक एक दो दिन में पट्टी डाल देंगे। पट्टी डालने के बाद में फिर इस गेट का करेंगे कुछ, है ना साहब। पट्टी डाल के फिर इस गेट का करेंगे कुछ। और अब मेरी कोशिश है कि मैं ये सामान जो चिट्टर मुटर पड़ा हुआ है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी तो आ रही है इन गमलों से। ये गमले जो रखे हुए हैं ना चारों कोनों में, मन कर रहा है कि इनको उठा उठा के साइड वाले प्लॉट में डाल दूँ, कागज थैली बाद में चुग लेंगा, मिट्टी उधर गिर जाए, है ना साहब। प्लाट में डाल देंगे ये फाटे उड़ा जितना भी है कर ग्रो बैग, बाहर तक लेके कौन जाए इतना बारा बारा। तो जी आज का दिन पता नहीं क्या सोच के मैं निकला था, मेरी किस्मत में आज तो एक के बाद एक कितने अड़ंगे हुए वो दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो ये छोटा ही है लेकिन सांग तो एक बार बहुत भयंकर फैल गया था। ये जो मसाला मिला रहे थे ना ये फूट गया, और ये सारी छत पे देखो किस तरीके से फैला है। और काफ़ी देर तक फिर काम लटकता रहा इसके चक्कर में, बहुत दूर तक फैला था। और इसके बाद में जो बैक टू बैक परेशानी आई ना, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे, मतलब परेशानी मेरा पकड़ के बैठी है हाथ। तो जी बहुत बार कमेंट आता है कि दीदी आपका वेट लगभग कितना होगा, तो देखो शर्मा जी से इक्वल है 60 किलो। भाई शर्मा जी में 62 है, इसमें 60 है। 70 से क्रॉस कर दिए थे और इन्होंने कम कर लिया। तो आप लोग कह रहे थे ना पिछले दिनों वेट लॉस किया था, वो कम किया था, वो 10 किलो के लगभग कर दिया। और ये है हमारे चिड़ावा की बेस्ट दुकान मालानी, और इसमें मिलता है टोटल क्या का सामान है, वो केवल ही है इसको सब पेंट वगैरह सब कुछ हार्डवेयर, पेंट वगैरह हार्डवेयर की, हार्डवेयर की दुकान। नीरू के ताऊ जी काम किए हुए हैं यहाँ पे, नीरू के ताऊ जी यहाँ पे काम करते थे बहुत, दीपा के पापा। तो जी दोपहर का बज गया एक, और मैं आज मेरा काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज सुबह सुबह एक नया सांग फैल गया था। सांग क्या फैल गया था, सिंक की जो पाइप है ना वो टूट गई, जिसके कारण ना बर्तन साफ नहीं हुए बहुत देर तक। बर्तनों के कारण खाना भी नहीं बन पाया, क्योंकि मेरी क्या आदत है एक बार जब किचन पूरी साफ होती है जब भी मेरा आगे का काम करती हूँ तो खाना भी नहीं बना। तो जी आप लग रही है मेरी दूसरी तीसरी बार झाड़ू, अब मैं लगाऊंगी इसमें से पोचा। भैया आए थे गांव से विशाल के पापा, तो फिर मतलब तो काम भी कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी काम खत्म भी नहीं खत्म भी नहीं किया, लगी भी रही बैठी भी नहीं, झोल मोल लिया सब सब करते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी वो वाली पानी पूरी खाने से जुकाम सही हो जाएगी, पानी पूरी खाने से भी कोई जुकाम सही होती है। इसमें झाड़ू लगाई है रूम में से, अब मेरे को दोबारा लगानी है क्योंकि बेडशीट इसने ऐसे ही झाड़ रखी है, अच्छा कचरा पड़ा हुआ है बेडशीट पे एकदम। पर यहाँ से ना लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि साफ हो, मैं लगा ही देती हूँ थोड़ी, एक बार पोछा और लगा दूँ फिर उसके बाद रूम में जाऊँगी फिर नहाऊंगी बाद में।
तो जी जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया ना कि सुबह ये टूट गई और सब जगह मतलब इधर सीमेंट पड़ी है, और पहले तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था, आज सुबह इतना हाल ख़राब हुआ कि सब जगह पानी पानी हो गया, हालत ख़राब हो गई एकदम ही, परेशान करके रख दिया। बाद में फिर आज सोचा कि इसको चेंज ही करते हैं, फिर मार्केट में कई जगह चक्कर काटे, जब जाके इसके नाप का मिला, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ का था, लेके आए थे हमें एक दो लेके आए, क्योंकि दुकान वाले भैया ने कहा नहीं इसी के इंच का आता, डेढ़ इंच का ही आता है, तो डेढ़ इंच का लेके आए, वो डेढ़ इंच का आया ही नहीं इसमें, फिर दोबारा से मार्केट में गए। तो इस तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हुए सुबह, पानी की वजह से बहुत हुए इसकी वजह से। इतनी डस्ट तो बेड पे, ऊपर से बचे हुए काम को पूरा करते हैं ये लोग, इतना कचरा डाल देते हैं कि कोई हद नहीं, उठाते रहो बस, इनका काम खत्म ही होता दोनों का। सही कहा क्या, इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है ऊपर से और मिट्टी डाल जाता है यहाँ पे, और थप्पड़ लगाऊंगी मैं अब ज्यादा नौटंकी करी तो, पहले ही गुस्सा आया हुआ है मेरे को, गुस्सा तेरे ऊपर उतरेगा सारा, फिर वो घर दो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको फिर से लगाया था। हाँ लगाया था, देख कितने कचरा, देख ये लगाया नहीं नहीं नहीं। वाओ क्या गिरा, सब कुछ ले क्या, वो सब कुछ गिरा, वो गिरने भी बैठोगा पता नहीं कितने दिन लग गए, इतनी धीरे मारने वाली तो लगती है क्या मम्मी। अब मम्मी को इस बेडशीट के भी बाल बनाने हैं, कहाँ है गंगा, उधर गिरा था निकल के, ये पड़ा देख, आधे गंगे तो फ्रीज के कपड़े के नीचे ही पड़े हैं, ले जाते हो वहीं रख देते हो बाहर, करते फिर मैं ले जाती हूँ उधर डाल जाती हूँ। ये देख खेली फाड़ फाड़ के, शर्म तो नहीं आती दोनों को, तो जी आपने देखा सिवांस कह रहा था वीडियो में एक्टिंग कर रहे हो, असली में कई बार कोई प्रमोशनल वीडियो होते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट होती है, तो वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है, तो इसको लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ मम्मी ना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोल रही है, तो यहाँ पे बंदा कह रहा है कि आप वीडियो में एक्टिंग कर रहे हो कि सच में डांट मार रहे हो, सच में इसको महसूस ही नहीं हो रही इसका, अगर कैमरा नहीं चलता होता ना तो ये बैठ जाता आराम से सुकून से, लेकिन जब कैमरा चल रहा होता है जब इसको ये पता होता है कि हाँ अभी मम्मी कैमरे में बोले तो थप्पड़ तो लगाएगी नहीं क्योंकि कैमरा ऑन है, अगर कैमरा ऑफ होता है जब तो दो चार रख भी देती हूँ मैं, कभी कभी तो यार टिक मतलब एकदम नाक में दम कर देते हैं जब लगाना भी पड़ता है एक दो चट्टूर, और मैं तो लगा देती हूँ, मेरे से जब मेरे छोटे बहन भाई है ना वो बहुत पिटे हैं, आरती अर्जुन अरुण तीनों ही बहुत पिटे हैं, बाकी कोई बच्चे जैसे होते हैं ना रिलेटिव्स के उनमें से भी हैं कई जो मेरे से बहुत मार खाई हैं, तो बस मैं वही सोच रही थी यहाँ पे कि ये कैमरा चालू है ना इसलिए बातें आ रही हैं, इसको इसको पता है कि अब तो मम्मी मार नहीं थप्पड़ नहीं लगाएगी, और ये वाली बेडशीट है ना ये काफ़ी दिन से बिछी हुई है, और बिछा भी इसीलिए रखी है क्योंकि इसमें ना डस्ट दिखती नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो दिखती इतनी है, गंदी हो जाती है सारी, और डबल मैंने इसलिए बिछा रखी है क्योंकि ऊपर वाली है ना ये सिमट जाती है बहुत जल्दी, ये वैसा कपड़ा है ना थोड़ा वेलवेट टाइप का, तो फिर मैंने दो बिछा दी ये सोच करके, और भैया आए थे काफ़ी काम वगैरह चेक करके गए तो बोले कि ठीक है कोई कमी तो अभी नहीं निकाली उन्होंने, अब परसों फिर से आएंगे पट्टी डाली जाएंगी ना छत पे, क्योंकि ज़्यादातर अपना काम था ना वो पूरा ही हो गया, इधर वाले वॉशरूम और मंदिर और हॉल के ऊपर पट्टियों का काम जो है ना वो हो जाएगा परसों। और ये देखो दो तीन दिन से पानी आजकल थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक आ जाता है, तो पानी आ गया था, शर्मा जी थे नहीं, मैंने सोचा चलो फटाफट से पानी भर लेते, और कल एक कमेंट भी आया था उन बंदे को ना मेरी हमेशा मेरी वीडियोज़ में कमी नज़र आती है उसको, उसको कभी आज तक उसने वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कह रही है कि खुद का वो भी होना चाहिए थोड़ा सा रख रखाव से बंदे का पता चलता है कि वो एजुकेटेड है, तो यहाँ पर उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके घर में मिस्त्री मजदूर काम कर रहे होंगे जब आप लोग सज धज के घूमते होंगे, भाई मेरे यहाँ तो ये वो रिवाज है नहीं कि मैं अब ईंट पत्थर उठाऊं साथ में बीच में तराई करूं सीमेंट का घर, किस तरीके का हालात हो रहा है उस हालात में
और फिर मैं रख रखाव और देखूँ मेरा भी। और रही बात बाकी दिनों की बात, तो मैं काफ़ी सिंपल टाइप से रहना पसंद करती हूँ, मुझे चोचले पसंद नहीं है। हाँ कभी कभार शादी ब्याह में तो वो भी आप देखते होंगे नॉर्मली होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, ओवरलोडेड मेकअप जो होता है ना, ये फाउंडेशन वगैरह, ये तो मैं कभी ट्राई किए ही नहीं, ठीक है। कल एक फेयर लवली होती है तो मुझे नहीं पसंद, मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी ही रखना चाहती हूँ मैं तो, मुझे यार मैं चेंज होंगी भी नहीं। और मेरे ख्याल से रख रखाव से एजुकेशन का पता नहीं चलता, बंदे का एजुकेशन का पता चलता है उसके बोलचाल के तरीके से, उसके संस्कारों से। और उसका मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि एक बिना पढ़ा बंदा भी अगर उसके संस्कार अच्छे हैं ना तो बहुत एजुकेटेड लगता है, ठीक है। कपड़ों में कोई मैटर नहीं करते कपड़े, ठीक है। तो चलो फिर।